आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे बात करेंगे। हमारा आज के लेक्चर में फोकस होगा इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मेनली कंसर्न है रिप्रोडक्शन से। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को इंक्रीज करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक करेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को इंक्रीज करना होता है, इसलिए दे हैव टू रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोडक्शन का ऑर्गेनिज्म पे कोई खास इफेक्ट नहीं होता, लेकिन स्पीशी पे अफेक्ट होता है। रिप्रोडक्शन के बगैर इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसकी जो सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, उसका नंबर इंक्रीज नहीं होगा, देन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी विल बिकम इम्पॉसिबल। जब सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी पॉसिबल नहीं होगी, देन द स्पीशी विल बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम द पॉपुलेशन और एक्सटिंक्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम, देन द सर्वाइवल विल बी इन डेंजर। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम स्टार्ट से एग से अब फीटस तक, और फीटस में जो डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही हैं, उन सब चेंजेस को डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द न्यू नेट एज वेल। व्हाट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी? डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड डिवेलप। वो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज अ सब फील्ड ऑफ द डेवलपमेंटल बायोलॉजी। देयर स्टडी द ऑर्गेनिजम्स बिटवीन द वन सेल स्टेज, दैट इज द जायगोट, एंड द एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज। वन सेल स्टेज कौन सी स्टेज है? वो स्टेज जिसमें जायगोट प्रोड्यूस हो रहा है। अब जायगोट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन when egg and sperm fuse with each other, they form the zygote. अब उस zygote में जो different developmental stages होंगी, उन सारे stages को, उन सारे जो processes हैं, उन सारे processes को हम embryology में discuss करेंगे, up to the stage of the parturition. Embryology is a branch of biology that studies the prenatal development of gametes, sex cells, fertilization, and development of embryo and fetuses. तो एम्ब्रियोलॉजी का मेनली जो कंसर्न है वो गेमिटोजेनेसिस है, गेमिट प्रोडक्शन से, ओजेनेसिस एग प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्शन, एंड द फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ द एग एंड द गेमिट एंड एग स्पर्म, देन द डेवलपमेंट देन द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट एंड द डेवलपमेंट इन द जायगोट, डेवलपमेंट इन द एम्ब्रियो एंड द डेवलपमेंट इन द फीटस, दैट all processes are discussed or studied in the embryology. Additionally, embryology also encompasses or emphasizes the study of the congenital disorders that occur before birth, that is known as the teratology. Congenital disorders are the disorders that are due to the birth defects, jo जेनेटिक वेरिएशन या म्यूटेशन जो फीटस में जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस होते हैं, बाय बर्थ जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस होते हैं, देयर प्रॉब्लम्स कॉल्ड द कंजेनिटल डिसऑर्डर्स, एंड द स्टडी दैट डील्स विद द कंजेनिटल डिसऑर्डर्स कॉल्ड टेरेटोलॉजी। ह्यूमन डेवलपमेंट देयर आर ड्यूरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट देयर आर सेवन स्टेजेस एज अ ह्यूमन मूव्स थ्रू ड्यूरिंग हिज आर लाइफ स्पैन। हम डिस्कस किया कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी वो जल्दी डेवलपमेंट और ग्रोथ को डिस्कस करती है। दीज स्टेजेस इंक्लूड द इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडल्टेंस, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड, एंड द ओल्ड एज, देन द डेथ। ये सारे स्टेजेस जो हैं हम डिस्कस करेंगे, सारे जो स्टेजेस हैं, इन सारे स्टेजेस को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी डिस्कस करेंगे। और यही हम स्टार्ट करेंगे एक जायगोट से। जायगोट कैसे बनता है? जायगोट बनता है ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जायगोट में जो चेंजेस आएंगी, दीज चेंजेस विल फॉर्म द फीटस, इनसे फीटस प्रोड्यूस होगा, और फीटस के बाद जो साइड चेंजेस आएंगी वो सारी हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस को हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में। सो एक इस सिंगल सेल से हमने क्या प्रोड्यूस करना है? हमने प्रोड्यूस करना है न्यू नेट। अब इस न्यू नेट में हमने चेंजेस लेके आनी है। वो चेंजेस कौन सी होंगी? वो चेंजेस होंगी उसमें आएगा इन्फेंट, फिर चाइल्डहुड आएगा, और फिर उसमें अडल्ट आएगा, और एट द एंड हम ओल्ड एज तक पहुंचेंगे, और ओल्ड एज के बाद वी विल
वी विल एजिंग, उसमें ओल्ड एज में एजिंग को डिस्कस करेंगे, देन द डेथ को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सिंगल सेल से हम प्रोड्यूस करने के बाद उसको हम डेथ तक लेके जाएंगे। सारा जो कोर्स है, जो कंटेंट्स हैं, सारे डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी का हिस्सा है। हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो हेयर वी विल लुक एट द जनरल हिस्ट्री, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर हम जनरली बात करें हिस्ट्री के, तो ये बहुत लेंथी हिस्ट्री बनती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी तो एम्ब्रियोलॉजी की, क्योंकि डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने उस पर काम किया, उस पर रिसर्च की, और उसके बाद उसका जो आउट या उसकी जो फाइंडिंग्स है वो पब्लिश हुई। तो ये एक वास्ट फील्ड है, वास्ट इसकी बड़ी एक एक्सटेंसिव हिस्ट्री है। तो हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट साइंटिस्ट की, उनको जनरल डिस्कस करेंगे। There are two terms that are used in the developmental biology in the early life and the early time, that is the pre-formationism and the epigenesis. Pre-formationism का क्या मतलब है? Pre-formationism का मतलब ये है कि जो हमारा इस concept के मुताबिक, इस theory के मुताबिक जो embryo है, वो embryo already semen में या जो sperm है उसमें already उस में प्री फॉर्म हो होता है, सिर्फ उसने डेवलप करना होता है इन द मदर और इन द यूट्रस ऑफ द मदर। ये प्री फॉर्मेशनिज्म कांसेप्ट ये देता है। जबकि एपिजेनेसिस कांसेप्ट क्या देता है? एपिजेनेसिस का कांसेप्ट ये है कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो डिफरेंट प्रोसेस से हो रही है, जो चेंजेस आ रही हैं वो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू आ रही हैं। दीज टू कांसेप्ट्स आर अल्टरनेट विद ईच अदर, अपोजिट विद ईच अदर। एज रिसेंटली एज 18th century the prevailing notion in western human embryology was pre-formation. The idea that semen contains an embryo, a preformed embryo, miniature infant or humunculus, उसको humunculus का नाम दिया, that simply becomes larger during development. तो development में वो कहते हैं कि humunculus या उसका जो preformed embryo है वो सिर्फ develop हो रहा है, वो सिर्फ large हो रहा है। Until the birth of modern embryology, through observation of the mammalian ovum by von Baer in 1827 में von Baer का developmental biology में, embryology में बहुत important contribution है, क्योंकि इन्होंने first time mammalian ovum को observe किया। तो von Baer की contribution तक, इनकी जो mammalian ovum की observation तक, it was believed that there is a concept of pre-formation or pre-formationism. So, 1827 तक there was no clear scientific understanding of embryology. Embryology कोई standing, जो कोई basic concept या कोई clear concept नहीं था। क्यों? There was no evidence, there was no concept of the fertilization, there was no concept of the egg and the sperm. So, there was no clear scientific understanding of embryology until 1827. Only in the late 1950s, when ultrasound was first used for uterine scanning, was the true developmental chronology of human fetus available. 1950 में जब अल्ट्रासाउंड की जो टेक्निक ने जब तरक्की की, उसने जब फ्लरिश किया, उसके बाद जो डेवलपमेंटल क्रोनोलॉजी है, जो क्रोनोलॉजी मीन जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ टर्म्स हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग ट्रूली सही मानों में अंडरस्टैंडिंग हुई डेवलपमेंटल बायोलॉजी की और embryology. The first written record of embryological research is attributed to Hippocrates, 460 BC to 370 BC, who wrote about obstetrics and gynecology. Two different terms. Obstetrics and gynecology. An obstetrician specializes in obstetrics, which deals with all aspects of the pregnancy or the gestation from prenatal care to postnatal care. जो gestation period के तमाम aspects को जो specialist study करते हैं उसको obstetrician बोलते हैं. Obstetrician specifically deal with the gestation period from the fertilization up to the parturition and the postnatal care as well.
गायनेकोलॉजिस्ट क्या होता है? अब गायनेकोलॉजिस्ट इज ए स्पेशलिस्ट आर ए पर्सन दैट स्पेशलाइजेस इन केयरिंग फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन, जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जिसको जो एक्सपर्ट होते हैं उसको गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट मेनली डील विद द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल, डील विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट डिस्कस करते हैं, जबकि ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के सारे जो प्रोसेस है उनको डील करेगा। हिप्पोक्रेट्स बिलीव दैट द एम्ब्रियो बिगेन डेवलपमेंट बाय एक्सट्रैक्टिंग मॉइस्चर एंड ब्रीथ फ्रॉम द मदर एंड ही आइडेंटिफाइड अ सीरीज ऑफ कंडेंसेशन एंड फायर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स बेली एंड सर्कुलेशन इन द एम्ब्रियो एंड फीटस। तो हिप्पोक्रेट्स का कंसेप्ट था जो एम्ब्रियो की जो डिवेलपमेंट होती है वो इन द यूट्रस ऑफ द मदर में होती है, क्योंकि जो सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए सारी वहाँ पे मौजूद होती हैं, जो उसकी ग्रोथ के लिए, जो उसकी डेवलपमेंट के लिए, जो उसकी चेंजेस में, जो एम्ब्रियो में चेंजेस आ रही हैं सारी वहाँ पे फुलफिल हो रही होती हैं। द कंप्लीटिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वॉज एपिजेनेसिस ओरिजिनली प्रपोज 2000 years अर्लियर बाई अरिस्टोटल। तो हमने कंसेप्ट दिया प्री फॉर्मेशनिज्म का और एपिजेनेसिस का। प्री फॉर्मेशन प्री फॉर्म होती है वो जो सीमन में या स्पर में, लेकिन एपिजेनेसिस जो अपोजिट कंसेप्ट है प्रीफॉर्मेशन का, इट वाज प्रपोज्ड बाय अरिस्टोटल 2000 years अर्लियर। मच अर्लियर बायोलॉजी केम फ्रॉम द वर्क ऑफ द इटालियन एनाटोमिस्ट। व्हाट इज एपिजेनेसिस? एपिजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट और एनिमल फ्रॉम एन एग और स्पोर through a series of processes in which unorganized cell masses differentiate into organs and organ system too. तो epigenesis का जो concept है वो ये कहता है plants और animals single cell से produce हुए हैं और उन single cell में जो after the fertilization produce हो रहे हैं उनमें different processes हो रहे हैं, different series of processes हो रहे हैं, जो unorganized mass of cells जब differentiate होता है tissue में, फिर organ में, फिर organ system में, पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। तो एपिजेनेसिस का कंसेप्ट ये कहता है कि जो डेवलपमेंट हो रही है, जो फीटस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो डिफरेंट सीरीज ऑफ द प्रोसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, मुख्तलिफ चेंजेस आ रही हैं एम्ब्रियो में, वो एम्ब्रियो डेवलप होता है फीटस में, उस फीटस के बाद उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स के बाद फिर पूरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। डिफरेंट का साइंटिस्ट जो जिन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन की है इन बायोलॉजी, वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट लियोनार्डो डाविंसी, ही गिव द कंसेप्ट ऑफ द यूट्रस ऑफ द काउ। मार्सिलो मालपिजिया, मालपिजियन ट्यूबुल का कंसेप्ट दिया। फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक अकाउंट ऑफ चेक डेवलपमेंट। जिब्रेली फिलोपिया, जिब्रेली फिलोपिया 1523 अक्टूबर 1562, often known by his Latin name Fallopius, was one of the most important anatomists and physician of the 16th century. He gave the concept of the fallopian tube. Fortunio Licetti deal with the question of spontaneous generation in his work 1628 work De spontaneo viventium auto libri quator, in which he argued that life could be generated from decomposing plant or animal material in which part of the vegetative or sensitive soul remained. So, इसने spontaneous generation का concept दिया कि living organism जो जब decompose हो जाते हैं, जब dead होते हैं, उनसे new organism produce होते हैं. In 1630, he published a follow-up work that is the De Anima Subiecto corpore nil turbitudini de qua semina vita efficientia primaria in constituna fetus, which he answered the objection of some of his critics. So, उसने जो जब उस जो ये क्योंकि लैटिन में है इसलिए इसकी उसकी जरूरत नहीं है, विच इसमें आंसर जो उसमें ऑब्जेक्शन हुए आप उन ऑब्जेक्शन को उसने आंसर किया कि वाई ही गेव द कंसेप्ट ऑफ द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। Spallanzani discovered and described animal mammal reproduction, showing that it requires both semen and an ovum. तो Spallanzani का जो basic concept fertilization का ये था कि fertilization के दौरान ovum और sperm दोनों की जरूरत होती है। He was the first to perform in vitro fertilization with frogs and an artificial insemination using a dog.
एनरिको सिरोटोली। सिरोटोली इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज 1865 डिस्कवरी ऑफ द एपोनिमस सिरोटोली सेल्स। सिरोटोली सेल्स कौन सेल्स होते हैं? दीज सेल्स आर फाउंड इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स। दीज सेल्स लाइन द ट्यूबुला सेमिनिफेरस कंसोर्शिया ऑफ द टेस्टिस एंड प्रोवाइड नरिशमेंट एंड सपोर्ट फॉर द डेवलपिंग स्पर्म्स। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। तो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का जो आगाज हुआ वो 1827 में वान बेयर के जो डिस्कवरी है मेमेलियन ओवियम से स्टार्ट हुआ। हैंस क्रिश्चियन पेंडर प्रपोज द जर्म लेयर थ्योरी ऑफ द डेवलपमेंट। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजिकल पायनियर्स इंक्लूड द गिरोलेमो फेब्रिसी। सम हिस्टोरियन थिंक दैट फेब्रिसी शुड बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज एम्ब्रियोलॉजिकल टेक्स्ट ऑन द फॉर्म फीटस एंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एग एंड चिक। तो कुछ जो हिस्टोरियंस के मुताबिक गिरोलेमो फेब्रिसी जो फाउंडर ऑफ द मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी है, क्योंकि उसकी जो मशहूर बुक्स हैं ऑन द फीटस एंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एग एंड चिक, इनकी वजह से उसको फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। लेकिन फादर ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंट बायोलॉजी इज द स्पीमैन। चार्ल्स डार्विन। डार्विन पब्लिश हिज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन विद कंपेलिंग एविडेंस इन हिज 1859 बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ओवरकमिंग साइंटिफिक रिजेक्शन ऑफ अर्लियर कंसेप्ट ऑफ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ स्पीशीज। Ernest Haeckel. Haeckel was a zoologist, an accomplished artist, an illustrator, and later a professor of comparative anatomy. Although Haeckel's ideas are important to the history of evolutionary theory, and although he was a competent invertebrate anatomist, most famous for his work on Radiolaria, many speculative concepts that champion are now considered incorrect. For example, Haeckel describes and named hypothetical ancestor mechanisms that have never been found. J.B.S. Haldane. His first paper in 1915 demonstrated genetic linkage in mammals, which while subsequent work helped to create population genetics, thus establishing a unification of Mendelian genetics and Darwinian evolution by natural selection, which laid the groundwork for modern evolutionary synthesis. Haldane established human gene maps for hemophilia and color blindness on the X chromosome. Sex chromosome based ने इसका जो gene map produce किया and codified Haldane's rule on the sterility and the heterogametic sex of hybrid and species. Other important contributors include the William Harvey. As early as 1652, Harvey dissected and examined deer and chicken embryo with the aid of low-power lenses. Harvey determined the position where the embryo arises in an egg, the so-called white spot, and described the blastoderm as a unique place of origin of the embryonic body. तो blastoderm को उसने describe किया जहाँ से वो unique place है जहाँ पे embryonic body originate हो रही है. He also wrote of the importance of the amniotic fluid, believing that it was absorbed into the blood of embryo and later the fetus. Amniotic fluid की जो importance है वो भी William Harvey ने ही उसका concept दिया. Nicholas Stenson discovered the Foley cells of the mammalian ovary in dogfish and demonstrated that the human female ovary was homologous to the ovaries in previously studied oviparous animals and human ovaries, female ovaries contain eggs. Caspar Friedrich Wolff, embryonic parts develop from tissues that have no counterpart in the adult organisms. Hans Christian Pender described three germ layers, first indication of the induction, epigenesis further substantiated. August Weismann, germ cell plasma theory, sperm and egg provides equal chromosomal contribution. Half 23-23 in case of the humans. Hermann Boyer having written the first detailed account of the chemical embryology in his book Elementa Chemia, published in 1724. Edward Leavis was an American geneticist, a co-recipient of 1955 Nobel Prize in physiology and medicine. He helped to found the field of evolutionary and developmental biology. Hans Spemann was awarded the Nobel Prize in 1935 for the embryonic induction. He is known as the father of the developmental biology or embryology. Birth of the developmental biology.
After 1950, with the DNA helical structure being unraveled and the increasing knowledge in the field of molecular biology, developmental biology emerged as a field of study which attempts to correlate the genes with morphological changes and so tries to determine which genes are responsible for each morphological change that takes place in an embryo and how these changes are regulated. तो 1950 में डीएनए की स्ट्रक्चर की जो डिस्कवरी है उसके बाद जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी उसमें ज़्यादा तरक्की हुई, इसलिए कि उसमें जेनेटिक लेवल पे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस को अंडरस्टैंड किया, कौन सा मॉर्फोलॉजिकल चेंज कौन से जीन कंट्रोल कर रहा है सारी अंडरस्टैंडिंग हुई, इसलिए मॉडर्न डेवलपमेंटल बायोलॉजी का कंसेप्ट मॉडर्न डेवलपमेंटल बायोलॉजी फॉलो हुई. 2010 में डेवलपमेंट ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज IVF के टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो सकती है, स्पर्म और एग फ्यूज होकर टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बना सकते हैं. दैट वाज अवार्डेड टू द रॉबर्ट जी नोबेल प्राइज इन 2010. मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी रिसर्च. एम्ब्रियोलॉजी इज सेंट्रल टू एवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी इवो डिवो. We studies the genetic control of the developmental process, morphogenes, its links to the cell signaling, its role in certain diseases and mutations, and its links to stem cell research. तो मॉडर्न जो एम्ब्रियोलॉजी है उसका जो मेजर फोकस है डेवलपमेंटल प्रोसेस पे है, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, सिग्नलिंग, सर्टन डिजीजेज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, कंजेंटल डिसऑर्डर्स, म्यूटेशंस और स्टेम सेल रिसर्च पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का फोकस है. ये सारा जो हमने डिस्कस किया, दैट्स ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट. दीज आर इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हु प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ द डेवलपमेंटल बायोलॉजी और द एम्ब्रियोलॉजी.